BBCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी, खबर हमारी। मानव तस्करी करने वाले गैंग का राज फाश। आगरा में मिली चुनार की महिला का बेटा भी सकुशल बरामद किया गया। काम दिलाने के बहाने चुनार की महिला और उसके 2.5 साल के बेटे को आगरा ले जाकर 1.5 लाख रुपए में बेचने वाला गिरोह अंततः पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पुलिस ने मिर्जापुर और आगरा से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में शामिल 2 आरोपी अभी फरार है। मानव तस्करी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। एक महिला को बेचा गया प्रीता का बेटा भी उसे सकुशल सौंप दिया गया है। एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने गुरुवार को बताया कि चुनार की 30 वर्षीय एक विधवा महिला ने 2 जनवरी को चुनार कोतवाली में 4 नामजद व 4 अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी थी। आरोप लगाया गया था कि उसके पड़ोसी उषा गौड़, नीतू सोनकर व रामबाबू सोनकर सहित एक अन्य उसे नौकरी दिलाने के बहाने 20 दिसंबर 2022 को आगरा ले गए थे। उसे बेटे समेत कुछ लोगों को बेच दिया। उन्हें खरीदने वाले आरोपी 10 दिन तक एक होटल में रखकर उसका उत्पीड़न करते रहे और 30 दिसंबर को उसका गला कसकर हत्या करने का प्रयास भी किया। उसे मृत समझकर जंगल में फेंक दिया था। घटना के दूसरे दिन सुबह होश आने पर 31 दिसंबर को ट्रेन पकड़कर मिर्जापुर पहुंची। पुलिस की 2 टीमें आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए आगरा रवाना हो गई। टीम ने चुनार के कांशीराम आवास में रहने वाली उषा गौर, राम बाबू सोनकर, उसकी पत्नी नीतू और आगरा के नगला बुजुर्ग रूनकता निवासी वीरपाल, श्रीजी हॉस्पिटल ट्रांस यमुना, त्रिदेव बिहार की सुधा सिंह सिसोदिया व ट्रांस यमुना क्षेत्र के कलेक्ट्री बिहार निवासी परम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। प्रीता का बेटा आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र निवासी सुधा सिंह सिसोदिया के पास मिला। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 5 मोबाइल तथा उषा एवं रामबाबू के कब्जे से 25,000 रुपए बरामद हुए हैं। मानव तस्करी के आरोपी ने बताया कि मां बेटे का सौदा 1.5 लाख रुपए में हुआ था।